बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए जो डिश लेके आई हैं बहुत मज़ेदार है। आप ब्रेकफास्ट में भी इसको ले सकती हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आई। आज हम वेजिटेबल एग पराठा लेके आए हैं। हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरह बनाना है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ जाऊँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इस तरह हर आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचेगी। पहले सबसे पहले हमने एक कप लिया मैदे का, ये एक कप हम मैदा डालेंगे। टमाटर हमने लिए हैं 3 टेबलस्पून, वो इसमें डालेंगे। टमाटर हमने बारीक काटने हैं। ये सब्ज़ मिर्चें हमने ली हैं, ये 2 टेबलस्पून है, इनको भी हमने बारीक काट लिया है। अब इसमें ये डालेंगे। ये सब्ज़ धनिया है, ये हमने 1 टेबलस्पून लिया है, अब ये डालेंगे। शिमला मिर्च ये हमने 1 टेबलस्पून ली है, इसमें डालेंगे। अब ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये हमने 1 टीस्पून ली है, ये डालेंगे। ये 1/2 टीस्पून हमने सूखा हुआ धनिया लिया कुटा हुआ और 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा कुटा हुआ लिया है, ये डालेंगे। अब हम इसमें ये 3 अंडे डालेंगे। आप चाहें तो 2 अंडे भी डाल सकती हैं, ज़्यादा डालना चाहे तो आप इसमें 4 अंडे भी डाल सकते हैं। ये 1/2 टीस्पून हमने इसमें नमक डालना है। आप नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने प्याज डालना है, प्याज को भी हमने बारीक काट लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, पानी हमने इसमें 1 कप डालना है। इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह ढाँप के रख देंगे, उसके बाद हम पराठे बनाएंगे। 10 मिनट हो गए इसे रखे हुए, अब थोड़ा सा हम इसे और मिक्स करेंगे। अब हम इसके पराठे बनाते हैं। पैन को हम ग्रीस कर लेंगे ब्रश के साथ। आधा कप मिक्सचर हम इसमें डालेंगे। इसे हम फैला लेंगे जरा। इसे हमने मीडियम आग पे पकाना है, तेज नहीं करना। पराठा हमारा बहुत मज़ेदार बन गया है, इसे हमने उतार लिया। वेजिटेबल एग पराठे हमारे बहुत मज़े के बने हैं। इस तरीके से आप बना के देखें, ये नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को लंच बॉक्स में रख के भी दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।